आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 13 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के बारे में बात करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने सेक्शन 12 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को कवर किया है। हमने जाना सेक्शन 12 बेसिकली उन सभी ग्राउंड्स के बारे में बात करता है जिनके बेसिस पर पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन को चैलेंज कर सकती हैं, या हम कहें तो सेक्शन 12 बेसिकली उन सभी ग्राउंड्स के बारे में बात करता है जिनके बेसिस पर पार्टीज आर्बिट्रेटर्स को चैलेंज कर सकती हैं। सेक्शन 13 बेसिकली उन प्रोसीजर से डील करता है जिन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन को चैलेंज कर सकती हैं। तो सेक्शन 13 बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के चैलेंज के प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर सकती हैं। तो हमने ग्राउंड्स समझ लिया है, पार्टीज इन ग्राउंड्स के बेसिस पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर सकती हैं। नाउ आर्बिट्रेटर्स के कॉम्पोजिशन को चैलेंज करने के लिए पार्टीज को किस प्रोसीजर को फॉलो करना है उसे आज हम सेक्शन 13 में समझेंगे। तो आप कह सकते हो सेक्शन 13 बेसिकली कहता है प्रोसीजर विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाई पार्टीज इन ऑर्डर टू चैलेंज कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर हैज बीन स्टेटेड अंडर सेक्शन 13 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो आइए सेक्शन 13 को पढ़ते हैं और समझते हैं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्रोसीजर विच आर गोइंग टू बी अडॉप्टेड बाय देम फॉर चैलेंजिंग एंड आर्बिट्रेटर। तो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 बेसिकली यही कहता है कि सेक्शन 13 के सब सेक्शन 4 के तहत यानी हम कह सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर सेक्शन के सब सेक्शन 4 के तहत जो पार्टीज हैं हु आर अग्रीड टू सेटल देयर डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, पार्टीज फ्री हैं कि वो किस प्रोसीजर के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करना है उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को निर्धारित कर सकती हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फिक्स कर सकती हैं विच आर गोइंग टू बी अडॉप्टेड बाय देम फॉर चैलेंजिंग एन आर्बिट्रेटर। राइट, दूसरा क्या कहता है सेक्शन 13 सब
सबसेक्शन 2। अब ये क्या कहता है, यानी आपको याद रखना है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द प्रोसीजर विच आर गोइंग टू बी अडॉप्टेड बाय देम फॉर चैलेंजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्लियर, कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 कहता है, इफ पार्टीज फेल्स टू एंटर इनटू अग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13, यानी सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 पार्टीज क्या है, पार्टीज फ्री हैं कि वो अपने बीच अग्रीमेंट कर सकती हैं रिगार्डिंग प्रोसीजर विच आर गोइंग टू बी अडॉप्टेड बाय देम फॉर चैलेंजिंग आर्बिट्रेटर। तो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर पार्टीज इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फिक्स करने में फेल हो जाती है, इफ पार्टीज fails to enter into agreement referred to in subsection 1 of section 13, the party who wishes to challenge an arbitrator, jo party chahti hai ki wo arbitrator ko challenge kare, uske proceedings ko challenge kare, shall within 15 days, तो उस पर्टिकुलर पार्टी को 15 दिनों के अंदर आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। अगर आप समझ लेते हो तो ये जो सबसेक्शंस आ रहे हैं बीच में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? तो कोशिश करो समझने पे पूरा फोकस रहे आपका। सेंड अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ रीजंस फॉर द चैलेंज टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्या कहता है फिर से समझते हैं, कह रहा है कि मान लो जो दो पार्टीज हैं ए एंड बी, अगर पार्टीज जो हैं फेल कर जाती हैं सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 को फुलफिल करने में, यानी सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को फुलफिल करने में, जो कि कहता है पार्टीज फ्री हैं उस प्रोसीजर को फिक्स करने में जिन प्रोसीजर का यूज़ करके पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करेंगी, तो अगर उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने में पार्टीज फेल कर जाती हैं तो जो पार्टी आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना चाह रही है उसे 15 दिनों के अंदर, किस दिन से, जिस दिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोइंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। देखो सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 में हमने क्या समझा, सेक्शन 12 में हमने अपने कल के वीडियो में जाना कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर सकता है। इसी में हमने सबसेक्शन 3 भी देखा जिसमें हमने दो पॉइंट्स समझा। क्या था वो पॉइंट्स? An arbitrator may be challenged only if, पहला, circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality. कुछ ऐसे circumstances arise हुए during the arbitration proceedings जिससे parties को लगा कि ये जो आर्बिट्रेटर है
वो इम्पार्शियल एक्ट नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा है, वो डिसीजन दूसरे पार्टी के फेवर में देगा। और दूसरा कहा गया था कि अग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का जो क्वालिफिकेशन फिक्स किया गया था कि जिस आर्बिट्रेटर को हम अपॉइंट करेंगे वो इन क्वालिफिकेशंस को बियर करता हो, अगर वो उन क्वालिफिकेशंस को बियर नहीं करता है तो ये भी क्या है, एक ग्राउंड है। तो यानी द क्वालिफिकेशंस ही इज नॉट पोजेसिंग व्हिच हैव बीन एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट बाय द पार्टीज म्यूचुअली एज वेल एज सर्कमस्टांसेस अराइजेस व्हिच गिव्स और व्हिच क्रिएट्स डाउट इन द माइंड ऑफ पार्टी रिगार्डिंग हिज इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। तो ये दो ग्राउंड्स थे जिसे हमने पढ़ा था। तो कह रहा है इन दोनों सर्कमस्टांसेस में से किसी एक सर्कमस्टांसेस के बारे में उसे पता लगा उस दिन से या जिस दिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस दिन से विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर क्या करना है, पार्टी को जो आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना चाहती है उसे एक रिटन स्टेटमेंट सेंड करना होता है रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए फॉर चैलेंजिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। एम आई क्लियर? तीसरा जो सबसेक्शन है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्या कहते हैं, अनलेस आर्बिट्रेटर चैलेंज्ड अंडर सबसेक्शन 2 withdrawals from his office or other party agrees to the challenge, arbitral tribunal shall decide on challenge। तो कह रहा है कि अगर arbitrator को section 13 subsection 2 के तहत challenge किया जाता है तो arbitrator को क्या करना है, वो पोजीशन छोड़ देना है। तब जब दूसरा पार्टी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, यानी दोनों ही पार्टीज उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ इस पर्टिकुलर ग्राउंड के बेसिस पर आर्बिट्रेटर को रिमूव किया जाएगा और दोनों पार्टीज ने मान लिया हो, तो अब क्या करना है, आर्बिट्रेटर को अपने ऑफिस से विथड्रॉल कर लेना है खुद को, यानी उस पोजीशन को छोड़ देना है। और एक बार जो चैलेंज है जिस ग्राउंड पर पार्टीज चैलेंज कर रही हैं वो डिसाइड हो जाता है तो फिर नया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, राइट? ये कह रहा है अनलेस आर्बिट्रेटर चैलेंज्ड अंडर सबसेक्शन 2, जब तक आर्बिट्रेटर को सबसेक्शन 2 के तहत चैलेंज नहीं किया जाता है तब तक वो अपने ऑफिस से विड्रॉल नहीं करेगा खुद को, यानी उस पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उस चैलेंज प्रोसीजर को दोनों ही पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वी आर रेडी टू चैलेंज दिस आर्बिट्रेटर ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड विच हैव बीन मेंशनड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 विच स्टेट्स अबाउट 2 ग्राउंड्स रिगार्डिंग हिज इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंसी एज वेल एज रिगार्डिंग हिज क्वालिफिकेशंस। तो अगर दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसे अपना पोजीशन छोड़ना होगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, इफ अ चैलेंज अंडर एनी प्रोसीजर अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज और अंडर प्रोसीजर under subsection 2 is not successful, arbitral tribunal shall continue to arbitral proceedings and makes an arbitral award। kya kehta hai, if a challenge under any procedure agreed upon by parties, to parties ne ye agree kiya hai mutually kis particular ground par hum challenge karenge arbitral tribunal ko, या कह रहा है कि सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 के तहत
पार्टीज जो हैं फेल कर गई हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करने के लिए। तो वैसे केसेस में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको उन्होंने चैलेंज किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो वो क्या करेगा, वही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उनके प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करेगा और आर्बिट्रल अवार्ड देगा। क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर ग्राउंड पर उन्होंने चैलेंज किया था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, वो उस ग्राउंड को प्रूफ करने में फेल हो गए हैं। पांचवा सेक्शन 13 सबसेक्शन 5, वेयर एन आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड अंडर सबसेक्शन 4, यानी सबसेक्शन 4 के तहत मान लो उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया। क्यों? क्योंकि पार्टीज ने जिस पर्टिकुलर ग्राउंड पर उसे चैलेंज किया था उस ग्राउंड को प्रूफ करने में फेल कर गई हैं, एंड एज अ रिजल्ट दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेक्स एन आर्बिट्रल अवार्ड। तो अगर आर्बिट्रल अवार्ड देता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पार्टी चैलेंजिंग द आर्बिट्रेटर मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच एन आर्बिट्रल अवार्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 34। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 34 को याद रखना है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 कहता है अगर पार्टीज, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के तहत फेल कर गई हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करने में, या सक्सेसफुली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन को चैलेंज नहीं कर पाई हैं, तो वही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगा और आर्बिट्रल अवार्ड देगा। अब सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 कहता है कि मान लो आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दे दिया गया, अब लेकिन पार्टीज ने उसके एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया था, तो वैसे केसेस में पार्टीज एप्लीकेशन फाइल करेंगी। किसके लिए? उस पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, दरकिनार करने के लिए। और ये जो एप्लीकेशन फाइल होगा वो सेक्शन 34 के तहत होगा। सेक्शन 34 कहता है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, जिसे हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लो, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, वेयर एन आर्बिट्रल अवार्ड इज सेट असाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 5। तो सबसेक्शन 5 के तहत जो एप्लीकेशंस पार्टीज ने दिया था फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड गिवन बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दिया गया है, तो द कोर्ट में डिसाइड एज टू वेदर द आर्बिट्रेटर हु इज चैलेंज्ड इज एंटाइटल्ड टू एनी फीस। अब देखो, जो एप्लीकेशन आप फाइल करोगे वो आप कोर्ट में फाइल करोगे कि साहब इन ग्राउंड्स के बेसिस पर हम इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो आर्बिट्रल अवार्ड मिला है हमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से, आप उसे सेट असाइड करो। मान लो कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दिया, डिक्री पास कर दी, तो वैसे केसेस में कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि कोर्ट ये डिसाइड करे कि जिस पर्टिकुलर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ये आर्बिट्रल अवार्ड दिया था, जिस पर्टिकुलर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को पार्टीज ने चैलेंज किया है, क्या वो लाइबल है फीस के लिए या नहीं। तो द फीस इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट व्हिच सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड सब्जेक्ट टू द एप्लीकेशंस मेड बाय पार्टीज, राइट। तो ये था सेक्शन 13 जिसमें हमने उन प्रोसीजर्स के बारे में बात किया
जो कि रिक्वायर्ड हैं, जिन्हें पार्टीज़ को फॉलो करना होता है अगर वो कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करना चाहती हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 13 को समझा। देखो, ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, इसमें जो चार सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं उसे हमने कवर कर लिया है, 10, 11, 12 एंड 13। अगर आप केवल यही चार सेक्शंस पढ़ते हो तो ये अपने आप में इनफ है, और यही चार सेक्शंस इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो इन चार सेक्शंस को आप पढ़ लेना। और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को डिफाइन करते हुए अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो इन चार सेक्शंस को भी रेफर कर सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको अच्छे से पूरे एफर्ट्स के साथ समझा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपके मन में रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।